मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाइए, क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर। बड़वा में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की मां नर्मदा की पूजा अर्चना का आदेश, और प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली सदा बनी रहे। चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रणनीति पर चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास में नारियल का पौधा रोपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति में केवल जीवन ही नहीं, ये जीने का सलीका भी सिखाता है। खंडवा पहुंचे मंत्री हरदीप सिंह डंग ने चुनावी जन समर्थन के लिए लोगों से की मुलाकात। गणेश गौशाला पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ की गौ सेवा। उमरिया धर्मपुरी आबकारी अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में लाखों रुपए की शराब की जब्त, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सर आज ग्राम पंचायत उमरिया में ये शराब पकड़ी है, क्या कुछ मामला है सर? आज दिनांक 17/10 को माननीय कलेक्टर महोदय श्री पंकज जैन के निर्देशन पर और सहायक आबकारी आयुक्त श्री जतन के मार्गदर्शन में धमतरी जिले के प्रसिद्ध गौसेवक समाजसेवी विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर शहर में शोक की लहर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी कोषा अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास में पहुंचे विद्यासागर अग्रवाल जी। 90 वर्ष के उम्र में उन्होंने शरीर त्यागा धमतरी के एक। डबरा में खेत में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत। रात्रि में खेतों पर पानी चलाने निकले थे दोनों। परिजनों को गांव के ही लोगों ने बताया दोनों युवकों की मौत से गांव में फैला मातम। हमें सूचना मिली कि गलाधर में दो लोगों को करंट लग गया है जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना के बाद में पालन में थाना प्रभारी महोदय मौके पर पहुंचे हैं। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पलाकामथी में एक युवक द्वारा स्वयं के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पारिवारिक कारणों के चलते आत्महत्या की होगी। साईखेड़ा नगर क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देश में शांतिपूर्वक हुआ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। थाने के अंतर्गत बनाए गए दो नर्मदा कुंड में किया गया विसर्जन। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी। कांग्रेस ने आज भोपाल की शीतल दास की बगिया में प्रज्ञा ठाकुर के फोटो पर तीर्थ जल से शुद्धिकरण किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने अनर्गल टिप्पणी को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ भी। जो बोल एक सार्वजनिक सद्भावना मंच जो कि दशहरा रावणी प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए उसका दहन किया जाता है भगवान राम। दशहरा उत्सव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हुड़दंग मचाने पर मौके पर पहुंची पुलिस की नशे में धुत युवक ने पुलिस से की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी।
महंगाई से आम जनता परेशान। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सब्जी और खाद्य सामग्रियों के दामों ने बढ़ाई आम जनता की मुश्किलें। रवि जी क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अभी ये तेल बनाने आए हैं, तेलों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसका क्या कहते हैं? पहला ये कि महंगाई जो हमारे सोच से थी बहुत आगे बढ़ते जा रही है, जो कि मतलब इतना आदमी सोच नहीं सकता कि पेट्रोल डीजल का इतना ज्यादा दाम बढ़ सकता है, इससे हमारे सभी। जावर के गांधी चौक पर बरसते पानी में संपन्न हुआ शानदार कवि सम्मेलन, देर रात तक आनंद लेते रहे दर्शक। हिंदू उत्सव समिति द्वारा किया गया आयोजन। बोरवेल मशीन से टकराई बाइक, दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वही हादसे को लेकर ग्रामीणों ने घटना स्थल पर किया चक्का जाम, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की थी मांग। मिली थी लखनऊ में 16वीं माँ भगवती जागरण का हुआ आयोजन, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू रही मौजूद, माता रानी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हम तो पूरी तरह से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, और जो है 2022 की मेरी तैयारी नहीं थी हमारी, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी मैंने उन्होंने काम किया है उसके आधार पर जनता मुझे अपना स्नेह। और बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने श्री स्वामी रामतीर्थ जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। देश में नवीन वैचारिक क्रांति को जन्म देने में स्वामी रामतीर्थ जी का है विशेष सहयोग। भिंड में मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने अटैर विधानसभा क्षेत्र को दी सौगात, लोगों की समस्याओं के निराकरण और सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी। नेपालपुर में दशहरा पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन, लोगों ने फूल बरसाकर जगह जगह किया स्वागत। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जारी है सियासत, मध्य प्रदेश में घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाली 80 कलश यात्रा। उनके सम्मान में श्रद्धांजलि यात्रा है, उसमें जो फ्लैक्स लगे हैं उसमें बाकायदे सबको कोट किया है, पर्चे में कोट किया है, पर्चे गांव गांव बांटे जाएंगे। होशंगाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, विसर्जन घाट पर सुरक्षा के लिहाज से नहीं किए गए कोई इंतजाम। मऊ के शाही कटरा मैदान में 450 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए ऐतिहासिक रामलीला का हुआ आयोजन, राम भरत मिलाप को देख भावुक हुए दर्शक। महामंत्री हो मऊ श्री रामलीला मिलाप मिलाप का कार्यक्रम था, श्री रामचंद्र जी बनते निकले रात में, और ये अयोध्या है, यहाँ भरत जी